नमस्कार, आपने एक प्रश्न किया था मुझसे कि जो अवर्गीकृत डाटा और वर्गीकृत डाटा होते हैं उनकी माध्यिका कैसे निकाली जाती है। तो आज हम वर्गीकृत डाटा जो होता है उसकी माध्यिका निकालने की विधि का अध्ययन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आज ये जानेंगे कि माध्यिका होती क्या है। तो इसको एक और टर्म आप जानते हैं, मध्यांक या माध्यिका, इसको मीडियन बोलते हैं इंग्लिश में और इसको डिनोट करते हैं MDs। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माध्यिका क्या है। जैसे आपने एक शोले का डायलॉग सुना है कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे हो, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके पीछे कोई नहीं है, बस वही। तो आधे अगर एक साइड जाए, आधे एक साइड जाए और बीच का कोई हो, तो वो आपका क्या है, वो आपकी माध्यिका है। यहाँ पे हमें क्या समझने की आवश्यकता है कि अगर माध्यिका पूछ रहा है किसी डाटा का, ऐसे डाटा जो वर्गीकृत हो, तो उसको कैसे निकालना है। तो आप जानते हैं कि डाटा दो प्रकार के होते हैं, आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, एक वर्गीकृत और दूसरा अवर्गीकृत। ठीक है, वर्गीकृत मुझे जैसे ऐसे CI के फॉर्म में दे, क्लास इंटरवल दे, तो इसको वर्गीकृत। अवर्गीकृत जैसे 1, 3, 5, 8, 9, अगर ऐसे डाटा दे दे रॉ, तो इसको कहेंगे अवर्गीकृत। इसका निकालने का विधि आप जानते हैं कि अगर विषम है तो n+1/2 पद, अगर विषम है 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका कैसे निकलेगा, 5/5 = 1/2, 6/2 = 3। अब ये नहीं करेंगे, 3 इसका आंसर हो जाएगा, इसका तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा। अगर इसको ये ऐसे दिया है कि आगे पीछे दिया 1, 8, 5, 3, 9, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं आरोही या अवरोही क्रम में, और जितना इधर से आया उतना इधर से भी आया वही आपका आंसर होता है, और इस प्रकार से हम निकालते हैं। दूसरा जो आपका टर्म होता है सम के लिए, उसका क्या होता है, n/2 पद + n/+1/2 पद / 2, तो n/2 पद निकालेंगे अगर ये सम में दिया है, और n+1/2 पद निकालेंगे और टोटल का 2 करेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा सम संख्या जो आपकी अवर्गीकृत है उसका उसकी माध्यिका। लेकिन जो आपका प्रश्न था कि जो वर्गीकृत डाटा होता है उसकी माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो उसको हम देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो इसको मीडियन को कैसे डिनोट करते हैं, MD = अब देखिए M किसके बाद आता है, L के बाद, तो MD = L+, क्योंकि L के बाद आता है, तो L+, ध्यान दीजिएगा L+। अब जानते हैं हम कोई एक ब्रैकेट में रहता है और उसके हमेशा हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे ऐसे कई आपके टर्म आएंगे, जैसे N से डिवाइड करते हैं, तो N भी क्या टोटल फ्रिक्वेंसी होती है, तो यहाँ जो N से डिवाइड करते हैं वह यहाँ किससे डिवाइड करेंगे, फ्रिक्वेंसीज। और जानते हो सब में आपका CI क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, क्लास इंटरवल। अब जो याद करना है तो याद करिए, अभी जो आप सम संख्या वाला याद कर रहे थे n/2 पद, तो वही n/2 यहाँ पे रख दीजिए, n/2, फिर माइनस CFB। अब देखिए यही एक टर्म है जो आपको रटने की आवश्यकता, बाकी क्या M कब आया, L में एक जोड़ा, तो L में जोड़ रहे हैं, तो L+ हो गया, फिर यहाँ टोटल कुछ रहता है इसके बटे यन करते हैं, तो फ्रिक्वेंसी कर दिया, इनटू क्लास इंटरवल हर फॉर्मूले में है, और ऊपर आपने देखा कि सम संख्या वाला जो फॉर्मूला है उसमें n/2 पद है, माइनस जो ये आपका CFB है, यही आपको याद करना। तो ये तो आपका क्या है, फॉर्मूला, लेकिन हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, तो क्या क्लास इंटरवल सबका एक है, ठीक है, लेकिन हर n/2 भी आपका समय एक रहेगा, लेकिन L कैसे निकालेंगे, तो कोई एक आपको इंटरवल यहाँ पे वर्क चूज करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से, हमें कोई इंटरवल चूज करना है, और वो इंटरवल चूज कैसे करेंगे, जो n/2 से रिलेटेड होगा, मतलब जो जिस इंटरवल में n/2 लाई करेगा वही इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा, आपका वही इंटरवल हमारे माध्यिका में यूज होगा। तो देखिए इसमें एक कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है, उसको कहते हैं संचयी आवृत्ति, उसको कहते हैं CF, क्योंकि देखिए CF है ना, तो हमें अगर याद भी नहीं है तो यहाँ फॉर्मूले में CF तो निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, तो हम CF यहाँ कैलकुलेट करेंगे। अब संचयी आवृत्ति से आप समझिए क्या होता है, कि ऐसी आवृत्ति जो सबका संचय करे, तो ऐसे तो 1, 3, 12 है, लेकिन क्या इसका भी संचय कर रही है, नहीं,
हो सकता है, हाँ यार अगर देखिए यहाँ इसका संचय करती तो इससे ज्यादा होती ना, लेकिन नहीं हम क्या करते हैं एक लिखा, अब इसका भी संचय करके इसको भी लिखते हैं, 1 3 4 इसका भी संचय करेंगे, 12 4 16 16 20 36 36 11 47 ठीक है। तो एक टर्म हमें निकालना सी एफ वाला, तो इसके लिए हमने यहाँ पर सी एफ भी निकाला। अभी देखिए कुछ नहीं करेंगे, एक टर्म आपका यन है तो हम यहाँ यन निकालेंगे, एफ टोटल कर देंगे तो आपका एन आ जाएगा ये 60, ठीक है। दूसरी चीज हमने कैलकुलेट कर ली। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ फ्रिक्वेंसी निकालनी है, सी आई आप जानते हैं, सी आई आपका ये दोनों इंटरवल जो होता है, देखिए इसका इसमें माइनस करेंगे तो 10 आएगा, तो सी आई आपका क्या है 10, यहाँ पे पता चल गया। तो हमें क्या पता चल गया, एन बाय टू 60/2 30, एफ पता नहीं कौन सा एफ लेंगे, सी आई क्या है 10। अब एल सी एफ और एफ की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो हमें देखिए एक इंटरवल यहाँ पे चूज करना है, लेकिन कैसे चूज करेंगे, अब जैसे एज्यूम मीन आप कर रहे थे तो उसमें तो कोई भी इंटरवल हमने चूज कर लिया, लेकिन यहाँ पे आपको एक ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो यन बाय टू है वो जिसमें लाई करेगा, तो यहाँ तो यन बाय टू तो सब में किसी में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें तो ऐसे तो रैंडम है, तो हम क्या किसमें देखते हैं अच्छे से लिख के लिए, हम सी एफ में देखते हैं। अब देखिए आप ऐसे 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 कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा इंटरवल है जिसमें 30 रहेगा, तो आपका ये जो इंटरवल है 36 वाला, ये आपका ऐसा इंटरवल है जिसमें ये 30 लाई करेगा, क्योंकि हमको मिड का चाहिए ना, तो 30 यन बाय टू टोटल यन बाय टू, तो वो 30 जो होगा वो आपका मध्यांक हो सकता है, तो 30 कहाँ लाई कर रहा है इस फ्रिक्वेंसी में, इसलिए हमने ये इंटरवल चूज किया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एन बाय टू लाई कर रहा है। अब देखिए दूसरी चीज, हमें इसकी लोअर लिमिट निकालनी है, तो लोअर लिमिट मतलब क्या होता है कि जो लिमिट होती है नीचे की, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर, तो ये जो क्लास इंटरवल होता है इसके -0.5 करते हैं, इसके +0.5, देखिए इसमें गैपिंग है ना, 49 के बाद बीच का कहाँ गया, यहाँ तो 50 से आया, तो 49 के बीच में 49.1 49.2 49.3 49.9, तब ना 50 आया, बीच का तो खा गया, तो यहाँ क्या करते हैं हम 50 जो लोअर लिमिट है इसकी -0.5, क्योंकि 10 वो 10 का क्या होता है 0.5, तो ये आ गया 49.5 इसकी लोअर लिमिट आ गई, जो हमने क्लास इंटरवल चूज किया जिसमें ये 30 लाई कर रहा है। एल के कैलकुलेशन हो गया, सी आई हो गया, एन बाय टू हो गया, बच्चा क्या फ्रीक्वेंसी, देखिए सी एफ नहीं है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इसकी 20 है, एफ इज इक्वल टू 20, ध्यान से समझिएगा, एफ इज इक्वल टू 20। आगे क्या करेंगे, अब ये सी एफ भी क्या, अब सी एफ तो जान रहे कि संचय की आवृत्ति है जो सबको लेके चले, सबको बटोरे चले, संचय करते चले, तो यहाँ पे सी आई जो ये देखिए यहाँ पे सी एफ कैसे चूज करेंगे, तो यहाँ पे एक टर्म आपको याद रखना है सी एफ बी, एफ बी क्या होता है, एफ बी फेसबुक होता है, और सी एफ बी अब यहाँ सिर्फ एफ करते हैं तो इसके नीचे ये बी फॉर क्या होता है बिलो, मतलब इस इंटरवल के बिलो वाले का, मतलब इसके नीचे वाले का, एफ बी फेसबुक से आप याद करेंगे, एफ बी बहुत चलाते हैं आप लोग, अब फेसबुक से आपने याद किया सी एफ बी, सी एफ बी फेसबुक देखो, सी एफ बी में क्या है, आप ये देखेंगे कि इस इंटरवल के जस्ट बिलो सी एफ, तो इस इंटरवल के जस्ट बिलो फ्रिक्वेंसी तो 12 है, लेकिन सी एफ क्या है 16, मतलब जो इसको संचय करके चला तो 16, तो यहाँ सी एफ बी आपका 16 हो गया, बस आप इसमें क्या करना है आपको कुछ नहीं, बस मान पुट करिए, कैसे पुट करेंगे, आपका यहाँ जो फॉर्मूला है वहाँ हम देखेंगे इज इक्वल टू एल क्या निकाला 49.5 प्लस एन बाई टू क्या निकाला था 30 माइनस सी एफ बी क्या निकाला इसके नीचे का सी एफ 16, एफ क्या निकाला जाए सी एफ ही एफ है, एफ मीन्स 20 इंटू सी आई कितना निकला इंटरवल 10। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे जब तो आपका जो है मध्यमांक वो आ जाए, ये आपको समझाने के लिए ये मैंने क्वेश्चन लिया, ये आपके बुक्स में भी दिखेगा आपको, और बहुत ही इजी आपका वे है, अगर एक क्वेश्चन आप समझ जाते हैं तो आप सारे प्रश्नों को हल
कर लेंगे और इसी प्रकार से आप बाकी जो प्रश्न है मध्यमान निकालने के आप उसको निकाल सकते हैं। इतना बड़ा आपका क्वेश्चन नहीं देगा सीटेट में, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि मध्यांक कैसे निकलता है। तो सबसे पहले जो उसमें दिया रहेगा उसमें याद रखिएगा कि वर्ग जब अवर्गीकृत डाटा ही देता तो उसमें सीक्वेंस ऊपर आगे पीछे रहता है। लोग फटाक से एन बाई टू एन प्लस वन बाई टू निकालते हैं और कर देते हैं, आप देखते नहीं कि आगे पीछे या तो आरोही में रहे या तो अवरोही में। दूसरा जब वर्गीकृत में करते हैं तो इस प्रकार से आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं और उसका आंसर निकालते हैं।